हेलो 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 हेलो, आवाज आ रही है? तो हेलो गाइस, हाउ आर यू ऑल? क्या कर रहा हूँ मैं? गाइस, आई वॉच अनदर पैंडेमिक जो अभी इंडिया में चल रहा है कोरोना के अलावा. आई वॉच द मोस्ट एंटरटेनिंग बेस्ट एक्शन थ्रिलर, द मोस्ट ब्रिलियंटली प्रोड्यूस्ड मूवी. तो यार, इसे झूठ नहीं बोला जाएगा. सो गाइस, आई वॉच दिस. ओमाए वा मो शिंदेइरु. मैंने अपने लॉकडाउन का पूर्ण रूप से लाभ उठाते हुए राधे देखी, एंड माय फर्स्ट रिएक्शन आफ्टर वाचिंग दिस मूवी इज, तो गाइस, मूवी का नाम है राधे, एंड गेस हूज प्लेइंग राधे इन दिस मूवी. गेस करो. अरे अपने सल्लू भाई यार. देखो, सिंपल सा फॉर्मूला है, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है. सलमान खान की मूवी का टाइटल इज इक्वल टू सलमान खान करेक्टर इन दैट मूवी. जैसे सुल्तान में ही सुल्तान, दबंग में ही दबंग, बजरंगी भाईजान में ही बजरंगी भाईजान, रेस 3 में ही ड्राइवर. Oh, no, no, no. He can't be a driver. He is never the driver. He is never behind the wheel. Come on, Tushar. How can you say this, yaar? His driver is always a driver. Never him. No. No. I'll be talking about some scenes from this movie. I won't be talking about the whole movie. I won't be reviewing this movie because मैं कोई बहुत बड़ा YouTuber या reviewer नहीं हूँ जो मैं movie का review करूँ. ना ही मुझे आता करना. To be honest, I just want some views. Please give me some. कोई तरीका है भीख मांगने का? इस मूवी में बहुत ही अच्छे अच्छे एक्टर्स ने काम किया है, जैसे रणदीप हुड्डा और लेट्स मूव ऑन. बाय द वे गाइस, मैंने ये लैपटॉप ऐसे थोड़ा शो के लिए रखा है पीछे, जैसे बड़े बड़े यूट्यूबर्स रखते हैं ना. तो यार, तुम नाम लो कोई भी सुपर हीरो फ्रॉम डीसी मार्वल, तुम कहीं कोई भी सुपर हीरो उठाओ, यार सबकी पावर है भाईजान के अंदर. सुपर हीरोज ट्रेनिंग लेते हैं यार भाईजान से. क्या झूठ समझ रहे हो? झूठ नहीं बोल रहा मैं. इस मूवी में देख लो, फ्लैश पता है ना कौन है भाई, जो बहुत तेज भागता है. भाई का एंट्री सीन है, कोई बिल्डिंग है बहुत ही ऊंची सी, मतलब कोई तुम स्काईस्क्रैपर मान लो, बहुत ही ऊंची बिल्डिंग है, उसके टॉप फ्लोर पे विलन बैठा हुआ है. पता नहीं कैसे कहां से उस टॉप फ्लोर पे भाई की एंट्री होती है खिड़की तोड़कर, और वो जो खिड़की टूटी है, टूट रही है इनफैक्ट, प्रोसेस में अभी टूटने के, भाई ने उस खिड़की के टूटते हुए टुकड़ों में से एक टुकड़ा अपने मुंह में फंसा लिया. इन द प्रोसेस भागते हुए आ रहा है वो, उसको समझ जाओ यार. अब क्यों फंसाया टुकड़ा? भाई को भूख लगी है? नहीं नहीं, उस खिड़की के आगे वहां पे एक बंदा खड़ा हुआ है, और भाई ने वो जो मुंह में कांच डाल रखा है ना, वो ऐसे फ्लिक करके उसके गालों पे थूका है, और उसके गालों पे कट लग गया. फिजिक्स खत्म. अब तुम पूछोगे इसमें फ्लैश वाली क्या बात हो गई? तो भाई, फ्लैश वाली बात ये है कि जो भी ये सब कुछ हुआ, ये पता ही नहीं लगा उस बंदे को, जो बंदा खड़ा हुआ था उसे पता ही नहीं लगा. इट हैपेंड सो क्विकली. ये तो सब कुछ फ्लैशबैक में दिखाया तो समझ आया कि भाई आए हैं, खिड़की टूटी है, मुंह में पकड़ा कांच, थूका, कट लग गया. वो तो फोन में देख रहा है अपने, ऐसे नीचे गर्दन करके फोन में देख रहा है, और उसके यहां से जो कट लगा है उसमें से एक ब्लड का ड्रॉप ब्लुप करके फोन पे गिरा. तो उसे समझ आया कि भाई यहां पे कोई आया है, उसने कटपट मार दिया मेरे ऐसे. क्या ही बताऊं भाई, क्या ही बताऊं, कलयुग है भाई, कलयुग है. उसैन बोल्ट, क्विक सिल्वर, फ्लैश, एंड देन सलमान खान. नेक्स्ट सीन में भाई ने डॉक्टर स्ट्रेंज को फेल कर दिया भाई, बिना टाइम स्टोन के विलन को फ्लैशबैक दिखा दिया कि मैंने तेरे बंदों को कैसे मारा. और फ्लैशबैक में भी एक सलमान खान नहीं है, 8-10 सलमान खान हो गए हैं जो 15-20 राउंडो से लड़ रहे हैं. सलमान खान का फैन होना इज द मोस्ट डिफिकल्ट जॉब इन दिस वर्ल्ड. आर यू कॉमेडी मी? अगले कुछ सीन्स में भाईजान ने वन पंच मैन की बजा दी. पूरी मूवी में लिटरली सिर्फ एक एक चांटे से दुश्मनों को सुलाया, एक्सेप्ट द मेन विलन्स ऑफ कोर्स, बिकॉज बॉलीवुड में मेन विलन के सामने हीरो का वन स्लैप वाला फंडा काम करना बंद कर जाता है. दैट्स द लॉजिक, एक्सेप्ट इट. सही है भाई, सही है. एनीवे, नेक्स्ट जो सीन है उसके बहुत सारे मीम्स भी होने हैं. लेट मी शो यू दिस. इस सीन में क्या हुआ है, सलमान खान एक गाड़ी में है, एंड रणदीप हुड्डा इज ऊपर एक हेलीकॉप्टर में है. सलमान खान गाड़ी उछालता है, मत पूछो कैसे उछालता है, दिमाग मत लगाओ. तो वो गाड़ी उछालता है, गाड़ी की विंडो से बाहर निकलता है, समझ रहे हो, गाड़ी उछालता है और हवा में ही गाड़ी से बाहर निकलता है, खिड़की से बाहर निकलता है, गाड़ी पे भागता है, एंड जंप करके हेलीकॉप्टर के अंदर घुस जाता है. एंड ऑल ऑफ दैट हैपेंस व्हेन द कार इज फ्लाइंग. हु इज टॉम क्रूज? हु द हेल इज टॉम क्रूज? वी हैव राधे. सो गाइस, वी हैव अल्बर्ट आइंस्टाइन विद अस. सर, आप कुछ कहना चाहेंगे? आई एम स्टंड. Yeah, as expected, sir. We also have physics with us. Would you like to... Okay, sorry. My bad, sorry. Okay, now, इस सीन के बारे में सबसे ज्यादा मीम्स बने हैं. तो इस सीन में रणदीप हुड्डा के हाथ में इतना मोटा डंडा है, और उस डंडे से... Okay, that seems wrong. तो रणदीप हुड्डा सलमान खान को उस आयरन रॉड से 6-7 बार तेज तेज बजाता है. Like, you can see the aggression in his eyes. वो इतनी तेज तेज मारता है. एंड सलमान खान पता क्या कर रहा है? He is literally blocking the attack. इतना मोटा डंडा है वो, और he is blocking the attack by his forearms. भाई यहाँ पे ना literally iron rod से ना बजाया है सल्लू भाई को. And सलमान खान is like,
अरे ये तो कुछ भी नहीं है, मुझे माफ कर दे आप लोग सारे, मुझे छुट्टी दे दे। After watching this scene, Mr. Bucky, aka Winter Soldier, has joined us. Sir, आप कुछ कहना चाहेंगे? बंद करो हाथ जोड़। मैं सही में थोड़े डाल दूंगा यार। सुपरमैन का रोल दे सकते हैं नेक्स्ट मूवी में भाई को। अबे ओ आंखें नीचे कर ले, घूर मत मेरे को, बुलाऊं भाई को अभी। एक तो तू वैसे ही नकली एप्स ले घूमता, तूने भाई के एप्स देखे राधे के अंदर, एकदम VFX। ओके गाइज दैट इज इट, आई होप आपको वीडियो पसंद आई है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो नीचे लाइक का बटन है उस पर आयरन रॉड फेंक के मारो, आयरन रॉड मार दो उस पर, और सब्सक्राइब भी सब्सक्राइब कर देना बिल्कुल, वरना फुटपाथ पे सुला दूंगा और उसके बाद कॉल कर दूंगा।